नमस्कार, मुखराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बुरसा कस्बे के नव निर्मित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 16.50 लाख रुपए की लागत से आई एम्बुलेंस का बुधवार को प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री व नागौर जिला प्रभारी हरीश चौधरी ने समारोह पूर्वक लोकार्पण किया है। इसके साथ ही एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रभारी मंत्री का बुधवार को जयपुर नागौर हाईवे से होते हुए जायल जाने का कार्यक्रम था। इस दौरान वे यहाँ बुरसा बाईपास पर स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। समारोह की अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष व मकराना के पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत ने की। कार्यक्रम में बुरसा सरपंच महावीर कुकड़ा, पूर्व प्रधान हिम्मत सिंह राजपुरोहित, बीसीएमओ नरेंद्र सिंह, बुरसा चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सैनी, जुसरिया सरपंच परमाराम भाकर, देवरी सरपंच जुमरा राम बुलडक, गेलासर सरपंच दिलीप सिंह, मकराना ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट भवराराम डूडी, जेपी कचोलिया विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन थे। प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी ने बुरसा बाईपास पर पहुंचते ही मौजूद इस दौरान मंत्री ने जिला अध्यक्ष केसावत सरपंच कुकड़ा के साथ बुरसा बाईपास पर करीब 5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए नव निर्मित अस्पताल भवन का अवलोकन कर बीसीएमओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी व बुरसा चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सैनी से कार्यरत चिकित्सकों व कुल स्वीकृत पदों सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान बुरसा सरपंच महावीर कुकड़ा ने प्रभारी मंत्री को बुरसा कस्बे को उप तहसील का दर्जा दिलाने सहित ग्रामीण ने घरेलू श्रेणी के बिजली बिलों की राशि में राज्य सरकार द्वारा की गई बढ़ोतरी का हवाला देते हुए बिल राशि कम करने की मांग की। इस मौके पर नायब तहसीलदार गजेंद्र सिंह, पचवारी आर्यन ढालिया, पूर्व सरपंच भेरूराम, जेपी कचोलिया, मुकेश पारिक, वार्ड पंच रामेश्वर घाटुया, रामू राम युद्धवाल, बाबू सिंह, टीकम चंद, भरत सिंह, दिलीप सिंह चौहान, हेमा राम दुस्तावा मौजूद रहे। उपखंड क्षेत्र के दौलतपुरा रोड स्थित मेगा हाईवे पर एक मोटरसाइकिल व स्विफ्ट डिजायर कार में जबरदस्त टक्कर होने से मोटरसाइकिल चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है एवं कार चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। जानकारी देते हुए कांस्टेबल लालचंद ने बताया कि मंगलवार को दोपहर करीब 1:30 पर एक मोटरसाइकिल चालक बनवारी पुत्र रामकिशन सोनी उम्र 42 वर्ष नुआ निवासी अपनी मोटरसाइकिल वाहन से गांव से जिटवाना की ओर आ रहा था कि दौलतपुरा के आगे मेगा हाईवे पर अचानक सामने से आ रही असंतुलित रूप से कार वाहन ने जबरदस्त टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक बनवारी लाल की मौत हो गई जिससे एम्बुलेंस वाहन की मदद से राजकीय बांगड़ चिकित्सालय लाया गया। इसके साथ ही कार वाहन चालक घटनास्थल से अपने वाहन को छोड़कर फरार हो गया है। वाहन को जब्त कर लिया गया एवं जिला परिवहन कार्यालय में रिपोर्ट लेने के बाद चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। किसान संवाद कार्यक्रम के तहत राजस्व मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के 70 साल बाद जो कांग्रेस राज में हुआ उसकी कल्पना ही नहीं कर सकता है। आजादी से पहले किसान मजदूर की हैसियत से काम करता था, उनको जमीनों तक का हक दिलाया। मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून बिल लाए हैं वो वापस लिया जाए, किसानों के हित में नहीं है। खींवसर में डार्क जोन होने के कारण ट्यूबवेल नहीं करवा सकता है। उन्होंने बताया कि अब बिना स्वीकृति किसान अपने खेत में ट्यूबवेल खुदवा सकता है। बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत, तहसील रुगाराम सेन, सुखबीर चौधरी, सवाई सिंह चौधरी, राघवेंद्र मिर्धा व प्रधान प्रतिनिधि जगदीश बिडियासर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
राजकीय चिकित्सालय परिसर में बुधवार को ब्लड बैंक भवन का शिलान्यास हुआ है। पीएमओ डॉक्टर शक्ति राव ने बताया कि शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक एवं राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के कर कमलों से नवीन निर्माण का शिलान्यास हुआ। पीएमओ ने बताया कि ब्लड बैंक के भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा 32.54 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। पंडित ने मंत्रोच्चार के साथ नवीन भवन निर्माण के लिए पूजा करवाई और मुख्य अतिथि के भवन के शिलान्यास के लिए अपने हाथों से नींव का पत्थर रखा। इस दौरान महेंद्र चौधरी ने कहा कि नावा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगा। कुचामन में लंबे समय से ब्लड बैंक की मांग थी, जिसे उन्होंने पूरा करवा दिया है। चौधरी ने कहा कि मैंने मेरे पिछले कार्यकाल में इस चिकित्सालय को 100 से 150 बेड में क्रमान्वित करवाने का कार्य किया है। कोरोना महामारी के दौरान बेहतरीन सेवाएं देने पर उप मुख्य सचेतक ने राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सकों व स्टाफ को प्रशस्ति पत्र भेज कर सम्मानित किया। इस अवसर पर एसडीएम बाबूलाल जाट, कुविश अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा, डॉक्टर वी के गुप्ता, डॉक्टर जगदीश मेहला, डॉक्टर चेनाराम चौधरी, डॉक्टर सलीम राव, डॉक्टर बलवीर ढाका, डॉक्टर कल्पना गुप्ता, डॉक्टर इशाक देवड़ा, खेमाराम रणवा, सुतेंद्र सारस्वत, शेर खान, आबिद अली खान, नंदू राम चौधरी, गुलशेर खान, ईश्वर राम सोहू आदि मौजूद थे। जिटवाना तहसील के कोड़िया कस्बे के जवान नरेंद्र सिंह बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ जिटवाना रोड पर अंतिम संस्कार किया है। इससे पूर्व जिटवाना के डाक बंगला पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर डाक बंगला से विभिन्न मार्गों पर होते हुए कोड़िया की ओर अंतिम विदाई के लिए रवाना किया। जिटवाना एसडीएम की तरफ से भू अभिलेख निरीक्षक कारामकरण पवार ने और तहसीलदार की तरफ से पटवारी शंकरलाल ने पुष्प चक्र अर्पित किए। वही थाना अधिकारी नरेंद्र ने और एएसआई अयूब खान ने पुष्प चक्र अर्पित किए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, मेजर दीप सिंह राठौर, कर्नल नंद किशोर ढाकान, भारतीय किसान संघ के जयराम, श्याम प्रताप सिंह राठौर, कुशाल देतरवाल, गोदारस सरपंच रामपाल थालोट, भाजपा महामंत्री सुमेर सिंह, बजरंग सिंह, पंचायत समिति सदस्य आई दान राम डारा, उप सरपंच प्रहलाद सिंह, ओम सिंह, अशोक वैष्णव, हवलदार मेघ सिंह, पूर्व सैनिक रामदेव मेघवाल, हरिराम सैनी, महावीर सिंह, फेरू सिंह मौजूद रहे। घर पर पिता जितेंद्र सिंह, माता भवर कंवर और भारतीय वायुसेना में कार्य सुरेंद्र सिंह सांखला और बहन ज्योति कंवर ने अंतिम दर्शन किए। सुबेदार संतोष एवी और अमित कुमार सिपाही लिपिक ने बताया कि रविवार को ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ने से और हृदय गति रुकने से वीर गति को प्राप्त हुए। छोटे भाई सुरेंद्र सिंह ने मुखाग्नि दी। अरे मोंटास खत्म करते तो चलाते नहीं है कि वो चला।